और बॉक्स की नहीं खोलेंगे, बॉक्स के अंदर भी देखेंगे कि एसएमडी के अंदर किस कंपनी ने क्या क्या यूज किया हुआ है। बॉक्स की बात करें तो सच में ये बहुत ज्यादा भारी है इस टाइम पे भाई, उसके अंदर फीचर भी उसी हिसाब से दिए गए भाई, फीचर को तो छोड़ो गिनते गिनते थक जाओगे। चलो इसे फटाफट से इसको अब एक बारी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे, देखेंगे दोनों का कंपैरिजन करके कि किसके अंदर क्या चीज निकलने वाली है। तो भाई एसएमडी वाली बात है, दोनों एसएमडी मैंने यहां से ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो इस तरीके से। भाई साहब अगर आपने अभी फ्रंट से देख रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, इधर देखोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप इसको खरीदोगे क्योंकि फिर आप इसी के ऊपर जाओगे, क्योंकि इसके अंदर तो देखते हुए मुझे कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है। इसके अंदर इतना कुछ दिख रहा है कि जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा इसके अंदर दिख रहा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। भाई आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त रहने वाली है क्योंकि आज फिर मेरे पास एक कंपैरिजन है। ये अगर आप बॉक्स की बात करें तो ये है मेरे पास से क्विक का बॉक्स। अगर इसके एसएमडी की बात करें तो 861 DW करके एसएमडी इसके अंदर आने वाली है। इसी तरह से भाई कंपैरिजन के लिए मैं लेकर आऊं, बहुत ज्यादा भारी डब्बा है ये, है भाई शुगोन का। इसके अगर मॉडल नंबर की बात करें तो ये आती है भाई 8650। अब आप कहेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन कैसे रहने वाला है, भाई किसके अंदर क्या क्या चीजें निकलती हैं वो तो हम देखेंगे। सबसे पहले प्राइसिंग वाली बात है तो मैं आपको प्राइस ही बता देता हूँ। प्राइस के लिए जैसे कि मैं ये दोनों चीजें लोहिया टेलीकॉम से लेकर आया हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख ही रहा है। अगर इसकी बात करें 8650 की तो ये मिल रही है आपको 17,500 रुपए की, और अगर इसकी बात करें तो ये मिल रही है आपको 14,500 रुपए की। थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है, मगर वो प्राइस क्या पता, अंदर देखते हैं इसे खोल के क्या पता किसके अंदर क्या चीज निकलने वाली है। और बॉक्स की नहीं खोलेंगे, बॉक्स के अंदर भी देखेंगे कि एसएमडी के अंदर किस कंपनी ने क्या क्या यूज किया हुआ है। चलो आज की वीडियो को फटाफट से फिर लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लो। तो सबसे पहले 8650 को हम नहीं खोलने वाले, हम खोलेंगे अपनी 861 को। अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स भाई बहुत ज़्यादा लाइट वेट बॉक्स है और उसका बहुत ज़्यादा भारी बॉक्स है। इसके अंदर जैसे भाई मैं बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि एक यूज़र गाइड निकली है, ये रही इधर रख दी है मैंने। और पैकिंग की बात करें तो थर्माकोल की इस टाइप की ये पैकिंग निकलने वाली है, ये रही पैकिंग। के बाद भाई जैसे ही मैं इस बॉक्स को और आगे करता हूं तो यहां पर हैंडल निकलता है और इसके ऊपर एक थर्माकोल की पैकिंग निकलती है। और पैकिंग के साथ साथ भाई यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ही हैंडल निकलता है जो जिस पे हम एसएमडी का अपना इसको रख के यूज़ कर सकते हैं, एक ये हो गया। इसके बाद भाई अंदर की अगर बात करें खजाने की तो एक बॉक्स निकलता है जिसके अंदर इस टाइप की ये नोजल निकलती है, एक दो इसके अंदर निकली है भाई, देखो आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ, तीन नोजल इसके साथ निकली है ये रही। चलो तीन नोजल को चलो देखेंगे बाद में। इसके बाद भाई एक निकली है अर्थिंग केबल, ये अर्थिंग केबल तो सभी जानते हैं, अगर थोड़ी बहुत ही अर्थिंग मारती भी है तो आप उससे अर्थिंग इसकी हटा सकते हैं। तो भाई इसको मैं पूरी की पूरी अनबॉक्स कर चुका हूँ, यहाँ पर मैंने रख दी है। भाई अब मैं ले रहा हूँ अपना भारी वाला बॉक्स। भाई भारी वाले बॉक्स की बात करें तो सच में ये बहुत ज़्यादा भारी है इस टाइम पे। मैं अगर इसको बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसके अंदर भी एक यूज़र गाइड देख पा रहा हूँ मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यूज़र गाइड कुछ विजिटिंग कार्ड। इसके बाद भाई एक बॉक्स छोटा सा मेरे को फ्रंट पे दिखाई, ये रहा ये जो बॉक्स है ना 11A लिखा हुआ है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कोई एलिमेंट वगैरह है इसके अंदर, जैसे कि एलिमेंट वगैरह, ये रहा एलिमेंट। चलो इसको अभी आगे देखेंगे जो कि इसके अंदर नहीं था। चलो इसको फटाफट से इसको भी बाहर से ओपन कर लेते हैं फटाक से। इसको जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ भाई कुछ चीज़ें इसके अंदर निकलती जा रही हैं, और इसके अंदर निकलने के साथ साथ भाई इसके अंदर ये रहा एक हैंडल की बात करें तो हैंडल भी यहाँ पर है, और हैंडल के अंदर कुछ स्विचेस देख रहा हूँ। पूरा फीचर बताऊँगा आखिर पैसे किस चीज़ के ज़्यादा है। भाई मेरा काम होता है हमेशा आपका बेनिफिट कराना। सारे थर्माकोल वगैरह निकाल के मैंने फेंक दिए, नहीं भारी क्यों है ये तो भाई साहब। तो लो भाई ये मैंने यहाँ से पावर केबल भी निकाल ली है इसकी। पावर केबल के बाद भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के असेंबल कर लेता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो भाई अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों को इस टाइम पे भाई बॉक्स से बिल्कुल बाहर निकाल चुका हूँ। आखिर इसके अंदर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है और इसके अंदर कम क्यों है भाई, उसके अंदर फीचर भी उसी हिसाब से दिए गए। भाई फीचर को तो छोड़ो गिनते गिनते थक जाओगे, इसके अंदर तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। लो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी बात करें, यहाँ पर निकली है भाई देखो तीन नोजल निकली है, और ऐसे ही अगर इसकी बात करें इसके साथ कितनी नोजल निकली है, ये बॉक्स में आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये रहा भाई। अगर इसके अंदर नोजल की बात करें ना तो इसके अंदर चार नोजल निकली है और बिल्कुल अलग टाइप की नोजल है। तो ये भाई देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक नोजल इसके अंदर भी ज़्यादा निकली है, ये रही भाई। ये सारी चीज़ें मैं आपके
सामने रख रहा हूँ, ये रही, ये इसके साथ चार नोजल है, इसके साथ आपको तीन नोजल मिलने वाली है। चलो इनको तो एक तरफ हटा के रख देते हैं, इतनी बात नहीं है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा निकलता है, ये क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके फीचर बता रहा था। तो भाई इस एसएमटी के लिए ज़्यादा खास कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर दिया गया होता है, यहाँ पर एयर कंट्रोलर दिया गया है, तीन स्टोरेज होती है इसमें, चैनल वन, चैनल टू, चैनल थ्री। इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं होता। तो चलो भाई इसको ओपन करके देखेंगे कंपेरिजन के लिए कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। अब बात आती है इसकी, मैंने नोजल तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, इसके अंदर कई भाइयों को ये रहता है यार शुगोन ब्रांड है, कल को अगर हमारा एलिमेंट खराब हो गया तो कहां से मिलेगा। तो भाई कंपनी इसके साथ एलिमेंट फ्री में ही दे देती है, बॉक्स के अंदर ही आपको ये पूरा का पूरा यहां पर ये एलिमेंट आपको मिलने वाला है। इसकी बात करें, इस पे अगर मेंशन की बात करें तो मैं बता देता हूं 11 एम्पीयर 220 से ही आपका एलिमेंट चलने वाला है। तो ये तो भाई एलिमेंट इसके साथ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ये यार ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी, टेंशन की जरूरत ही नहीं है भाई। इसके साथ स्टैंड की बात करते हैं, ये रहा स्टैंड। इसके अंदर भाई स्टैंड क्या काम आता है, ये हमारे इसको यहाँ पे रख के रखना चाहते हैं अगर आप, तो इसको यहाँ रख के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ रखने नहीं चाहते, अगर आप इसकी तरह यूज करना चाहते हैं, तो इस एसएमडी को यहाँ पर आप रख भी सकते हैं। और ये भी एडजस्टेबल है, इसको आप यहाँ अपने जरूरत के हिसाब से इसको जितना चाहे इतना यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास एक नहीं है, अब आपके पास है दो एसएमडियां। अब आप सोच रहे हैं कि यार दो एसएमडी में कैसे यूज करूँगा, तो भाई इसका ये हट जाता है यहाँ से, ये जरूरी नहीं है इसके अंदर लगाना अटैचमेंट वगैरह, ये सारी की सारी दी हुई है इसके अंदर, ये यहाँ से हटा लो, ये आपका यहाँ पे लग जाएगा। इसके साथ में अगर आप एक और लगाना चाहते हैं ना, तो दूसरा भी हैंडल यहाँ पर आपका लगने वाला है। इसी के अंदर आपके दो दो काम हो जाएंगे, और दो दो काम होने के साथ साथ अब आप कहेंगे कि भाई ये नोजल कहाँ रखेंगे हम, फिर अगर ये हटा दिया हमने, तो भाई नोजल की भी टेंशन मत लो, इसके अंदर जगह बहुत है। ये रही इसके अंदर जगह बहुत है, और नोजल निकालने के लिए और लगाने के लिए यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने। ये तो चीज़ भाई बहुत बढ़िया इसके अंदर लगने वाली है। चलो भाई इसको एक साइड रखते हैं, अब बात करेंगे हम अपनी एसएमडी की। एसएमडी के अंदर क्या खास बात है आखिर, इसके अंदर से इसके अंदर क्या खास बात है। तो भाई इसके अंदर की अगर बात करें ना, तो साइडों में इन्होंने कुछ चीज़ें लगा के दी हैं। आपके पास सपोज नोजल इसकी तो है, इसके अलावा और भी कोई नोजल है, तो आप इसकी नोजल यहाँ पे लगाकर इसको रख सकते हैं। इसके अंदर साथ में एक स्क्रू ड्राइवर दिया है। स्क्रू ड्राइवर क्या काम आता है, यहाँ पर अगर इसका कल को एलिमेंट चेंज करना है, तो आपको स्क्रू ड्राइवर की भी टेंशन नहीं लेनी, इसी के साथ में आपको मिलने वाला है। चलो हैंडल की तो छोड़ो, इस मशीन से सपोज आप काम कर रहे हो इस मशीन से, और इसमें अगर आपको 5 एयर एक्स्ट्रा करनी है या 5 के अलावा 10 हीटिंग ज़्यादा करनी है, तो आप इसके अंदर हाथ हटाकर यहीं पर आओगे, तब जाकर इसके अंदर एयर और हीट सेट कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। इसके अंदर अगर आपको 5 से 10 एयर ज़्यादा करनी है, तो ये इसके अंदर बटन यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो पैनल, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, आपको यहाँ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, मगर इसके अंदर हैंडल से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी है। और इसके अंदर एक नहीं, 4 चैनल होते हैं। बड़ा चैनल ये रहा, बड़ा वाला बटन, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतना ही नहीं है, ये वाला जो बटन है ना, अगर आप यहाँ पे मदरबोर्ड रखा हुआ है, आप उसको ठंडा करना चाहते हैं, तो इस बटन को आप दबाएंगे, हीटिंग बंद हो जाएगी, इससे पूरी की पूरी एयर, ठंडी वाली एयर आएगी, और वो आपके मदरबोर्ड को ठंडा करने वाली है। इतना ही नहीं है, अभी अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज। चलो इसके अंदर एक बार पावर केबल लगाते हैं, फिर इसका और ज़्यादा मज़ा देखेंगे। तो भाई मैंने इसके अंदर पावर केबल लगा दी, और पावर केबल लगाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँगा ना, यहाँ पे देखना कितनी अच्छी डिजिटल लिखी हुई आती है। ये देखो, देख रहे हो ना कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था। और स्टार्ट के लिए यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर भी दिया हुआ है, वो भी अच्छा लगता है देखने के अंदर। चैनल 1 की बात करें तो चैनल 1 है, ये रहा। चैनल 2 की बात करें तो चैनल 2 पे ये रहा। चैनल 3 की बात करें तो चैनल 3 पे ये रहा। इसके अंदर बार बार ऐसे नहीं है जैसे हम इसके अंदर चैनल 1 को दबाएंगे तब हमें पता चलेगा इसके अंदर कितनी हीटिंग और कितनी एयर आ रही है, चैनल 2 को दबाएंगे तब नहीं। इसके अंदर आपको पहले से ही दिख रहा है कि यार ये मैंने चैनल 1 350 सेट कर रखी है, और एयर की बात करें तो 60 कर रखी है। चैनल 2 की बात करें तो 370 कर रखी है, एयर की बात करें तो 35 कर रखी है। चैनल 3 की बात करें तो 420 कर रखी है, और एयर 60 कर रखी है। ये कस्टमाइज है, इसको आप अगर कम ज्यादा भी करना चाहते हैं तो इसको कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं। ये तो चीज यार ये बहुत बढ़िया लगी है। इसके अंदर भाई काफी सारे फीचर हैं। साउंड बंद करना चाहते हैं, कैलिब्रेट करना चाहते हैं, कैलिब्रेशन भी देखो इसके अंदर एक ही बटन दिया हुआ है जो कैलिब्रेट, इससे आप कर सकते हैं। इसके अंदर कैलिब्रेट करना भी बहुत आसान है। इसके इतना ही नहीं है, यहां पर देखो ये इसके अंदर मोड बटन है, इसके अंदर मोड बटन है। इसको पहले को हम प्रेस करते हैं तो रेड हो गया, मतलब यहां पर भी रेड
रैपिड आ गया, मतलब रॉकेट की तरह ये काम करने वाली है। सेकंड दबाएंगे तो जर्नल आ गया, थर्ड दबाएंगे तो हमारा ग्रीन मोड आ गया, मतलब सेफ मोड आ गया एक तरीके से। आप जिस मोड पे भी करना चाहते हैं उस पे कर सकते हैं, ये जर्नल मोड है तो जर्नल पे ही हम इसको रखने वाले। इसकी बात करेंगे 350 एंड 60 ईयर की बात करेंगे। इसके बाद अगर इसको आपको कम ज़्यादा करना है तो ये देखो, यहाँ से टेम्परेचर में कर रहा हूँ तो 351-52 ये हमें ऊपर दिखाएगा, ये वाली संख्या में ऊपर दिखाएगा। इसके बाद मैं बता दूँ भाई, देखो इसको मैं एक दबाता हूँ, 51-52-53-54 ऐसे हो रहा है। इसको अगर मैं दबाऊंगा तो ये भाई देखो डायरेक्ट 10 बढ़ा देता है, ये सिर्फ 10 बढ़ाता है, सीधी 10 टेम्परेचर आगे ले आता है। ये चीज़ यार बहुत बढ़िया लगी इसमें। चलो इतना ही नहीं है, इधर की भी बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं। इससे मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो 61 के बाद 62-63-64-65 एक एक हो रही है, 65 होगी ना। अब 65 के बाद इसको दबाऊंगा ना मैं तो फिर 70-75-80 मतलब 5-5 एक साथ बढ़ा रही है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। यार ये चीज़ यार नो डाउट बहुत अच्छी है, मतलब हमारा हाथ जो है ना सेफ है, मतलब काम करने में इजी रहेगा इसलिए। अब इसी तरह से अगर मैं इसको उठाता हूँ तो देखूँ ये ऐसे भी काम करती है नहीं करती, तो भाई देख रहे हैं ये देखो ये लाइट ब्लिंक कर रही है ना। ये लाइट जब तक बिलिंग करती रहेगी तब तक हमारा टेम्परेचर एग्जैक्ट पे नहीं पहुंचता। देखो जैसे ही हमारा टेम्परेचर एग्जैक्ट पे पहुंचा, वो हमारी लाइट ने बिलिंग करना बंद कर दिया। तो ये भाई इस टाइम पे हैंडल भी बिल्कुल देख रहे होंगे आप, शायद दिख रहा होगा तो लाल हो रहा है ये। और जैसे मैंने आपको अभी ये बटन दबाया था, ये वाला बटन बताया था, इसको मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, ये देखो प्रेस किया और स्पीड देखो स्पीड कितनी तेज आ रही है, मतलब इसके अंदर 180 स्पीड फैन की स्पीड है, तो 180 पे इस टाइम पे चल रहा है, हमारा मदरबोर्ड ठंडा हो जाएगा। काम करते करते मैंने चैनल 1 दोबारा से प्रेस कर दिया, लो जी तो चैनल 1 मैंने दोबारा से प्रेस करा तो ये 350 पे जाने के लिए तैयार हो गई, और 350 पे जाने के बाद वो हमारी रुक भी गई है। चैनल 2 प्रेस करूंगा तो अभी आप देखेंगे ये 300 यहां पर देखो इस वाले पे ये 370 चला गया। चैनल 3 प्रेस करूंगा तो यहां पर देखो 420 चला गया। चैनल 4 करूंगा तो 470 चला गया। तो भाई इस तरीके से ये आपकी SMD है यहां पे काम करने वाली है। चलिए मैं इसको ठंडा कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अंदर फिर मैं आपको बता देता हूं, 1, 2, 3, 4 चैनल इसके अंदर सेट हो जाते हैं, और सेट होने के साथ साथ इसके अंदर स्पीडें भी दी गई हैं। आप अगर फास्ट काम करते हैं तो इसको स्पीड से ले जाएंगे, आप फास्ट वाले मोड पे ले आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आपका हाथ थोड़ा स्लो चलता है तो उस हिसाब से इसको ले जाके काम कर सकते हैं। तो ये तो भाई इस तरीके से ये SMD रहने वाली है, नो डाउट भाई बहुत बढ़िया SMD लगी है ये। बाकी इसके अंदर अगर फीचर वाली बात है तो इसके अंदर कुछ और भी फीचर है, वो भी देखेंगे। चलो इसे फटाफट से इसको अब एक बार ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन करेंगे देखेंगे दोनों का कंपेरिजन करके कि किसके अंदर क्या चीज़ निकलने वाली है। तो भाई SMD वाली बात है, दोनों SMD मैंने यहाँ से ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से। भाई साहब अगर आपने अभी फ्रंट से देख रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, इधर देखोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप इसको खरीदोगे क्योंकि फिर आप इसी के ऊपर जाओगे, क्योंकि इसके अंदर तो देखते हुए मुझे कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है। इसके अंदर इतना कुछ दिख रहा है कि जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा इसके अंदर दिख रहा है। चलो सबसे पहले अगर क्विक की बात आती है, कंपेरिजन करेंगे क्विक से करेंगे। इसके अंदर भाई देखो बात आती है, सबसे पहले तो देखो इसका डिज़ाइन देख लो किस तरह का है, एक एक छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कराता हूँ। इसका पंप वो देखो, ट्रांसफार्मर देखो किस टाइप का इसके अंदर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के ऊपर इधर से साइड से कुछ भी इसके अंदर कवर अप नहीं कर रखा, जिससे कि हमिंग वगैरह इसके अंदर अगर आती है तो वो रहेगी। ये तो इसके अंदर इस टाइप का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के साथ भाई इन्होंने पंप इस तरीके का इसके अंदर यूज़ किया है। ये जो पंप होता है ना, ये ब्रशलेस पंप होता है, ये वो नहीं होता, इसके अंदर कार्बन वगैरह कुछ नहीं होते। इसको चलो एक तरफ रख देते हैं। अब थोड़ी सी इसके अंदर मैं नोटिस कराता हूँ आपको। सबसे पहले तो भाई ये देखो इसका ट्रांसफार्मर कितना बड़ा है, भाई बहुत बड़ा इन्होंने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। और इसके अंदर यहाँ पर देखो साइड में कवर भी करके दिया है, अगर हमिंग की प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इतना ही नहीं है भाई, इसके अगर इधर की बात करें ना, इधर से दिख नहीं रहा इसके अंदर भाई, इन्होंने यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इन्होंने यहाँ पे अंदर की तरफ देखो कितना बड़ा इन्होंने पंप लगा के दिया है आपको। देखो पंप की क्वालिटी देखो कितना बड़ा आपको दिख रहा होगा। चलो इतना ही नहीं है, पंप के पीछे की बात करें तो एक सर्किट इन्होंने इधर यहाँ पर भी इन्होंने लगा के दिया है, वो सर्किट आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये सर्किट इतना ही बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर इधर की बात करें तो इधर भी इन्होंने एक पावर सप्लाई इन्होंने यहाँ पे लगा के दे रखी है। ये देखो इतना ही नहीं है भाई, इतने के अलावा भी यहाँ पर इन्होंने देखो मॉसपिट वगैरह ठंडा करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी दो हीट सिंक यहाँ पर इन्होंने लगा के दिए हैं, जो कि इसके अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। एक छोटी सी हीट सिंक मदरबोर्ड पे इन्होंने इधर फ्रंट वाले पे लगा के दे रखी है, इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी इधर लगा के दे रखी है। SMPS एक इन्होंने छोटा सा इधर लगा के दे रखा है, और एक पावर हमारी फ्लैक्चुएट जो होती है उसके लिए इन्होंने एक SMPS हमारा इधर भी लगा के दिया हुआ है, अच्छे से इन्होंने लगा के दे रखा है। चलो अब इसके बात करते हैं फ्रंट वाले बोर्ड की। अब इसकी बात करेंगे, देखो फ्रंट वाला जो बोर्ड होता है इसका, इस टाइप का बोर्ड होता है,
छोटा सा बोर्ड इसके अंदर दिया हुआ है। बाकी प्राइसिंग के हिसाब से तो भाई पहले तो ये सही थी, आज के हिसाब से तो ये मेरे को बहुत महंगी लग रही है इस चीज़ को देखते हुए। इसके अंदर देखो भाई कितनी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ से लेके बोर्ड इन्होंने यूज़ किया है, और पूरा का पूरा शायद आपको इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं हाथ से बता दूँ इतना बड़ा इसके अंदर बोर्ड यूज़ कर रहा है इन्होंने। तो ये भाई बोर्ड की क्वालिटी देख लो, एक नंबर की इसकी क्वालिटी रहने वाली है। तो भाई ये चीज़ें हैं जो कि आपको लोहिया टेलीकॉम से मिलने वाली है। अगर इसकी बात करें ना तो भाई आपको वजन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन है और इसके अंदर बहुत हल्की है, इसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें भाई आपको लोहिया टेलीकॉम से मिलने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को अगर अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आने वाले टाइम में नॉलेजेबल वीडियो इसी तरह की आपको मिलती रहेंगी, और आप अगर आप इसको लेने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस पर जाना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।